हेलो फ्रेंड्स, पारविक वीडियोस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टेपर टर्निंग के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं टेपर क्या होता है। किसी भी सिलेंड्रिकल वर्कपीस का जब डायमीटर एक साइड पे यूनिफॉर्मली बढ़ता या घटता है उसे हम टेपर कहते हैं। और लेथ में टेपर टर्निंग का मतलब है किसी भी सिलेंड्रिकल वर्कपीस को कॉनिकल शेप देना, यानी कि उसका डायमीटर एक साइड से कम करके सिलेंड्रिकल वर्कपीस को कॉनिकल वर्कपीस में बदलना। अब बात करते हैं कितने मेथड से टेपर टर्निंग होती है। तो मेनली 5 मेथड से टेपर टर्निंग की जा सकती है, और वह हैं फॉर्म टूल मेथड, कंपाउंड स्लाइड मेथड, टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड, टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड और कम्बिनेशन फीड मेथड। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म टूल मेथड की। तो इसमें हमें जितना टेपर चाहिए होता है वर्कपीस पर, उतने ही साइज़ का टेपर टूल यूज़ किया जाता है। इसमें हम एक्सटर्नल टेपर और वह भी छोटे टेपर ही बना सकते हैं। जितने साइज़ का टूल पे टेपर होगा उतना ही टेपर बनेगा। बेसिकली फॉर्म टूल मेथड से हम चैम्फरिंग ही कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं कंपाउंड स्लाइड मेथड की। तो इसमें कंपाउंड स्लाइड के बेस पर एंगल मार्क्ड होते हैं। हमें कितना एंगल लेना है इसके लिए कुछ सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं। इसमें हमें कितनी लेंथ में टेपर करना है और क्या डायमीटर रखना है देखना पड़ता है। सपोज़ L लेंथ पर हम टेपर करना चाहते हैं और स्मॉल d हम डायमीटर रखना चाहते हैं, तो इस फॉर्मूले tan अल्फ़ा इज इक्वल टू d माइनस d अपॉन 2L से एंगल मिल जाएगा। तो वो एंगल हम कंपाउंड स्लाइड पे ले लेंगे। दोस्तों, आगे बात करते हैं टेपर टर्निंग अटैचमेंट की। तो ये स्पेशल अटैचमेंट होती हैं जिसे लेथ पे फिक्स करके हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ये फिक्स की जाती हैं लेथ पे, और हम जो है टेपर टर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड की। तो इसमें लंबे वर्क पीसेस की टेपर टर्निंग की जाती है। इसमें हम लेथ एक्सिस को शिफ्ट करते हैं, टेल स्टॉक को शिफ्ट करके। हमें जितना टेपर चाहिए होता है वर्कपीस पर उतना ही हम शिफ्ट करेंगे टेल स्टॉक को, इस प्रकार से जो है। दोस्तों, आगे बात करते हैं कम्बिनेशन फीड मेथड की। तो इसमें हम लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस फीड एक साथ देते हैं टेपर टर्निंग करने के लिए। कुछ इस तरह से देखिए, हम लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस फीड दोनों एक साथ दे रहे हैं। इसमें कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत रहती है। Thanks for watching this video.